हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग का 1200 मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब भी हम इसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो चार्जिंग पे लगाने के बाद चार्जर की लाइट बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। चार्जिंग स्लॉट शॉर्ट होने पर या चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग होने पर यह प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए हम मोबाइल को खोलते हैं और खोलने के बाद मल्टीमीटर से चेक करेंगे बीप बर्जर रेंज पर सेट करके। देखिए इस तरह से, सबसे पहले हम क्या है ये चार्जिंग सेक्शन का कैपेसिटर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों साइड पर बीप आ रहा है, ऊपर भी बीप आ रहा है और नीचे की साइड में भी बीप आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग है। अब हम इसके बाद ये डायोड चेक करेंगे, कहीं ये तो शॉर्ट नहीं। देखिए इसमें भी शॉर्टिंग बता रहा है, नीचे भी और ऊपर के सिरे पर भी शॉर्टिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं अब हम इस डायोड को चेंज करेंगे किसी दूसरे सर्किट से। इस तरह का डायोड निकालकर इस डायोड की जगह पर हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह का दूसरा डायोड ले लिया है और अब हम इसको इस मोबाइल के सर्किट में फिट करेंगे। हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि जो हमने डायोड लगाया है वो शॉर्ट तो नहीं है। मल्टीमीटर से दोनों तरफ शॉर्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, हमने एक सिरा चेक किया तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब हम नीचे वाला सिरा चेक करते हैं तो यहाँ पे पीप आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, कैपेसिटर पे पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। एक साइड पे रीडिंग और एक साइड पे बीप आ रहा है। अब हम हैंडसेट को पैक करेंगे और पैक करने के बाद चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था अब भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, हम चार्जर लगा रहे हैं तो चार्जर लगाने पर अब चार्जर की लाइट बंद नहीं हो रही है और चार्जिंग शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।